हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का सप्लीमेंट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नेम है द स्वान एंड द प्रिंसेस ए प्ले। स्वान माने होता है हंस, प्रिंसेस माने राजकुमार होते हैं, ए प्ले माने नाटक, यानी हंस और राजकुमार और नाटक। तो ये हमारी कहानी है एक तरह से, ये पूरा पार्ट। अबाउट द लेशन में देखिए लिखा है, दिस इज़ द शॉर्ट प्ले बेस्ड ऑन द ट्रू इवेंट दैट टुक प्लेस इन लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। ये एक सच्ची कहानी है जिसे गौतम बुद्ध के जीवन से लिया गया है। देवदत्त जो है, आगे कह रहा है, देवदत्त सूट डाउन ए स्वान बट गौतम बुद्ध पिक्ड इट अप एंड सेव्ड इट लाइफ। जो देवदत्त है वो हंस को मारता है, लेकिन गौतम बुद्ध जो है वो हंस को उठाते हैं और उसका जीवन बचाते हैं। गो थ्रू द प्ले एंड फाइंड आउट हु हैज़ बेटर क्लेम फॉर इट। इस नाटिका में, मतलब इसको पढ़िए और पता करिए कि किस कौन इसके दावे के लिए उचित है, यानी दोनों ने हंस को, एक ने मारा है एक ने बचाया है, तो किसका हंस हुआ। इस नाटिका को पढ़ के आपको बताना है। कैरेक्टर्स लिखा है माने पात्र, ये नाटक है पूरा, तो इसमें कौन कौन है, तो पहले बता दिया है सुद्धोधना द किंग ऑफ कपिलवस्तु। आपको पता होगा कपिलवस्तु के ये राजा हैं। क्या नाम है? सुद्धोधना। सिद्धार्थ द प्रिंस ऑफ कपिलवस्तु, कपिलवस्तु का राजकुमार है अर्थात सुद्धोधन का पुत्र है। देवदत्त सिद्धार्थास कजिन, सिद्धार्थ का चचेरा भाई है। द चीफ मिनिस्टर एंड फोर अदर मिनिस्टर ऑफ किंग, चीफ मिनिस्टर माने मुख्यमंत्री एंड माने और फोर अदर मिनिस्टर, चार अन्य मंत्री ऑफ किंग, राजा के, राजा का मुख्यमंत्री और चार दूसरे मंत्री हैं। द डोर कीपर माने दरवाजा का देखभाल करने वाला अर्थात द्वारपाल। पुराने जमानों में महलों में आपने देखा होगा, नाटिकाओं में, टीवी शोज में, वहाँ पे द्वारपाल होते हैं, तो उन्हीं की बात कर रहा है डोर प्ले, डोर कीपर। आगे देखिए, हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं इस पार्ट को पढ़ना। और पढ़ने से पहले मैं आपको शॉर्ट में आपकी स्टोरी बता देती हूँ कि जो सुद्धोधन का बेटा है सिद्धार्थ, वो राजकुमार है, और लेकिन उसे राजाओं वाली जीवन शैली पसंद नहीं है। वो बहुत ही शांत रहता है और बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है। और देवदत्त का जो कैरेक्टर है वो सिद्धार्थ के विपरीत है, उसे शिकार करना और राजसीय जो शौक है वो सारे उसे पसंद है। तो एक बार इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि जो देवदत्त है उसने एक शिकार में हंस को मारा है, और वो हंस बगीचे में बैठे सिद्धार्थ के गोद में जाके गिरता है। तो हंस को उठाकर सिद्धार्थ उसे पानी पिलाता है, उसके घाव पर मलहम लगाता है, तभी देवदत्त वहाँ आ जाता है और सिद्धार्थ से कहता है कि मेरा हंस है। और इन दोनों ने कहता है, देवदत्त कहेगा मेरा है, सिद्धार्थ कहता है मेरा है, और दोनों का क्लेम है। देवदत्त कहता है मैंने मारा है इसलिए मेरा है, और सिद्धार्थ कहता है कि मैंने बचाया है इसलिए मेरा है। और ये बहस सुद्धोधन के पास पहुंचता है, सारे राज मंत्री जो भी वहाँ पे हैं मुख्यमंत्री, वो सारे को समझ में नहीं आता न्याय किसके पक्ष में करें, राजकुमार के पक्ष में करें या देवदत्त के पक्ष में। तो न्याय कैसे होता है हम पढ़ के देखते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है किंग सुद्धोधना इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, थ्रोन माने क्या होता है, सिंहासन। राजा सुद्धोधन अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। हिज मिनिस्टर्स आर सिटिंग अराउंड हिम, उनके जो मंत्री हैं उनके चारों ओर बैठे हैं। द चीफ मिनिस्टर इज सेइंग समथिंग टू हिम, जो मुख्यमंत्री हैं उनसे कुछ कह रहे हैं। जस्ट देन द डोर कीपर एंटर्ड एंड बोज टू द किंग, तभी द्वारपाल अंदर आता है और राजा के सामने झुककर प्रणाम करता है। आपने देखा होगा कैसे वो सिर एक पैर पीछे और मुंडी रख के आदाब करते हैं, वही बारे में कर रहा है कि तभी द्वारपाल अंदर आता है और वो राजा को झुककर नमस्कार करता है। डोर कीपर द्वारपाल, लॉन्ग लिव द किंग सर, प्रिंस देवदत्त वॉन्ट्स टू कम इन। द्वारपाल कहता है लॉन्ग लीव द किंग, जब भी द्वारपाल अंदर आता है तो वह कहता है कि राजा चिरंजीवी रहे।
महाराज प्रिंस देवदत्त अंदर आना चाहते हैं। किंग, राजा ब्रिंग हिम इन, उसे अंदर लाओ। द डोर कीपर बोज एंड गोज आउट, द्वारपालपुर फिर से झुककर प्रणाम करता है और बाहर जाता है। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, आई वंडर व्हाई प्रिंस देवदत्ता वॉन्ट्स टू सी द किंग एट दिस टाइम। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि प्रिंस माने राजकुमार देवदत्त इस समय अंदर क्यों आना चाहते हैं। आई वंडर व्हाई प्रिंस देवदत्ता वॉन्ट्स टू सी द किंग एट दिस टाइम। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि राजकुमार देवदत्त राजा से इस समय क्यों मिलना चाहते हैं। सेकंड मिनिस्टर, दूसरे मंत्री, परहैप्स ही वॉन्ट्स टू कंप्लेन अगेंस्ट समवन। परहैप्स माने क्या होता है, शायद। शायद वह किसी के विरुद्ध शिकायत, अगेंस्ट माने क्या होता है, विरुद्ध होता है, कंप्लेन माने शिकायत। शायद वह किसी के विरुद्ध शिकायत करना चाहते हैं। द डोर कीपर इंटर्स विथ देवदत्त, द्वारपाल देवदत्त के साथ प्रवेश करता है। बोथ ऑफ देम बोज टू द किंग, दोनों राजा को झुककर प्रणाम करते हैं। किंग, राजा, वॉट इज इट देवदत्त, देवदत्त क्या हुआ। वाई हैव यू कम टू मी एट दिस टाइम, तुम मुझसे इस समय मिलने क्यों आए हो। देवदत्त, देवदत्त कहता है, सर महाराज द प्रिंस विल नॉट गिव मी माय स्वान, राजकुमार मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे हैं। आई वॉन्ट जस्टिस फ्रॉम यू, मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। किंग, राजा, स्माइलिंग हंसते हुए, बी काम देवदत्त, देवदत्त शांत हो जाओ। हैज सिद्धार्थ टेकन योर स्वान फ्रॉम यू, क्या सिद्धार्थ ने तुमसे तुम्हारा हंस ले लिया है। देवदत्त, यस, हाँ सर महाराज, ही हैज, उसने ले लिया है। आई सॉट इट एंड इट फेल ऑन द ग्राउंड नियर प्रिंस, मैंने इसे मारा और यह राजकुमार के पास नीचे जमीन पर गिरा। ही पिक्ड इट अप एंड सेड ही वुड नॉट गिव इट टू मी, उन्होंने वह या उसने इसे उठा लिया और कहा वह इसे मुझे नहीं देगा। किंग, राजकुमार, दैट्स वेरी नॉटी ऑफ सिद्धार्थ, सचमुच यह सिद्धार्थ की बड़ी शरारत है। टू द डोर कीपर, द्वारपाल से कहते हैं राजा, गो एंड कॉल हिम, जाओ और उन्हें बुला ला। द डोर कीपर बोज एंड गोज आउट, द्वारपाल झुककर प्रणाम करता है और बाहर जाता है। थर्ड मिनिस्टर, तीसरे मंत्री, सॉफ्टली टू द फोर्थ मिनिस्टर, धीरे से चौथे मंत्री से क्या कह रहे हैं, देखिए। द प्रिंस इज गुड लैड, राजकुमार एक अच्छे लड़के हैं। ही कांट डू अ थिंग दैट्स रॉन्ग, वह कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि गलत हो। फोर्थ मिनिस्टर, चौथे मंत्री क्या कह रहे हैं, आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ। द डोर कीपर इंटर विथ प्रिंस सिद्धार्था हु हैज अ वाइट स्वान इन हिज आर्म, द्वारपाल राजकुमार सिद्धार्थ के साथ प्रवेश करते हैं जिनकी गोद में एक सफेद हंस है। सिद्धार्था बोज टू द किंग, सिद्धार्थ राजा को झुककर प्रणाम करते हैं। तो अभी तक आपको कैसा लगा ये स्टोरी, प्लीज आप लोग को आई होप समझ में आ रहा है। इसका अभी आगे का जो विभाग है हम उसको अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो आई होप आप बोर होने लगते हैं। तो अभी तक आपको सिद्धार्थ और देवदत्त की कहानी कैसे लगी, आप लोग ये कहानी बचपन से छोटे क्लास में कभी हिंदी में तो कभी नैतिक शिक्षा में आपने कई बार पढ़ा होगा और कईयों बार सुना होगा, तो आपको आई होप बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, मज़ा आ रहा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट के ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।